अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए हॉट मिल्क बटर केक की रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो चलें इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आपको चाहिए होंगे 2 eggs, 60 ग्राम्स बटर, कप्स में ये 1/4 cup होगा, मिल्क 1/2 cup, बेकिंग पाउडर 1 teaspoon, प्लेन फ्लावर 1 cup, कस्टर्ड शुगर 3/4 cup, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनेला पेस्ट या वेनेला एसेंस। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम शुगर में एग्स को मिक्स करेंगे। इसको हम हैंड विस्क से बीट करेंगे। इस तरह से एग और शुगर को बीट कर लिया है। अब हम इसमें फ्लावर ऐड करेंगे और बेकिंग पाउडर भी ऐड करेंगे। हम फ्लावर ऐड कर रहे हैं, साथ ही हम बेकिंग पाउडर भी डाल रहे हैं और इसको हम मिक्स करेंगे। ओवर मिक्स नहीं करना। इस तरह से ये मिक्स हो गया है। अब हम बटर को और मिल्क को मिक्स करके हीट करेंगे। मिल्क और बटर को हमने हीट कर लिया है इस तरह से। मिल्क हॉट होना चाहिए, बॉइलिंग हॉट नहीं होना चाहिए। अब हम मिक्सचर में मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने मिल्क ऐड करना है, एकदम से नहीं करना है। इस तरह से हमारा केक का मिक्सचर रेडी हो गया है। ये काफ़ी रनी सा है क्योंकि इसमें हमने मिल्क ऐड किया है। अब हम इसको केक पैन में डालेंगे। इस तरह से मैंने केक पैन रेडी कर लिया है। इसमें पार्चमेंट पेपर लगाया है और बेकिंग स्प्रे भी किया है। इसमें हम अपना मिक्सचर पोर करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसको बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए। तो मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। 30 मिनट्स हो गए हैं, हम अपने केक को चेक करते हैं। ये क्लीन है, इसका मतलब है केक डन है। अब हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर मैं इसको कट करके सर्व करके दिखाती हूँ आपको। केक रूम टेम्परेचर पे आ गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। अब हम इसको आइसिंग शुगर से डस्ट कर लेंगे। इस तरह से ये आइसिंग शुगर से मैंने डस्ट कर दिया है। थोड़ी सी रसबेरीज रख दी हैं इस पे मैंने गार्निश के लिए। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।